इस मैच की शुरुआत की थी पाकिस्तान ने बतौर फेवरेट्स, इंडिया ने दी है करारी शिकस्त। हैशटैग आकाशवाणी और वेल डन यार इंडिया, क्या कमाल किया है ना आपने। हम सबके मन में थोड़ी अटकलें थी, थोड़े से सवाल थे, क्योंकि 1 बजे रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप हांगकांग के खिलाफ जीते थे, और वो मुकाबला जिसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, बॉलर थके, बैट्समैन थके हुए थे, विद इन 16 आवर्स, मतलब 16 घंटे दुबई की वो गर्मी, और आपको टर्न अराउंड करना था, पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी मैच खेलना था, लगा कि गुरु आज फंस गई इंडिया, क्योंकि ये जो बैक टू बैक मुकाबले हैं हांगकांग इतना स्ट्रेच कर देगी सोचा नहीं था। पाकिस्तान वेल रेस्टेड आए थे, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके आए थे हांगकांग को, भारत के पास सवाल थे, उन सवालों के जवाब अभी मिले नहीं थे। तो फिर थोड़ा सा पर्सनली आई वॉज स्लाइटली सर्कमस्पेक्ट कि आज क्या होगा इंडिया का, लेकिन इंडिया ने कहा भूल जाओ सारी बातें गुरु, हम जिस दिन हमें चाहिए ना विल टेक आर गेम टू दैट लेवल। शुरुआत की, टॉस जीता, बैटिंग की पाकिस्तान ने, लेकिन भुवनेश्वर कुमार पूरे साल 2018 विकेट नहीं मिली है, 49 ओवर्स डाले थे, सिर्फ 2 विकेट ली थी, आज तो पहले 2 ओवर में 2 विकेट चटका दी, पहले फकर जमान, फिर इमामुल हक और दी अदर वे अराउंड, फिर 1 विकेट अंत में भी ली, उसके बाद हम सबके प्रिय केदार दमदार जाधव, भाई ये कैसे बॉलिंग करता है यार, मतलब ये तरीका क्या है, लसित मलिंगा शर्मा जाए, इतनी नीचे से हाथ आता है, बाउंस नहीं करती गेंद। हमारे साथ हरभजन सिंह थे कमेंट्री में, कह रहे यार मैं क्यों डाल रहा था हाई आर्म, यार मैं क्यों कर रहा था बॉल को टर्न, जब इतना खिलाड़ी सक्सेसफुल हो सकता है एज ए राउंड आर्म से फेंक के 19 ODI विकेट्स, उनको कोई खेल नहीं पा रहा था, एक साझेदारी पनपी जरूर बाबर आजम और शोएब मलिक के बीच में, देन दे इम्प्लोडेड, मतलब वो एक सुसाइड मिशन था कि एक के बाद एक बड़े शॉट खेले जा रहे हैं, विकेट्स गिरते जा रहे हैं, ऐसा लगा किसी ने कहा क्या पाकिस्तान को, ये T20 मुकाबला है, बस 50 ओवर खेलने का तो मन में ही नहीं आ रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ, कॉमन सेंस वॉज नॉट दैट कॉमन इन देयर बैटिंग इनिंग्स, और इंडिया फ्लरिश्ड एंड हाउ, 162 बहुत छोटा सा टोटल है, इसमें सिर्फ एक तरीका था कि भैया इनके फास्ट बॉलर्स आए, मोहम्मद आमिर आए, उस्मान आए, और फिर दे रन थ्रू द इंडियन बैटिंग लाइनअप, ऐसा हुआ कुछ नहीं, सुपरहिट शर्मा क्या बैटिंग की ना उन्होंने, और शॉर्ट बॉल उस्मान ने डाली, एक बॉल तो कह रहे हैं अभी भी वो आबू धाबी के रास्ते में है, उनको उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई है, कहाँ छक्के मारे यार, ही इज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल, 50 उन्होंने बनाया, 46 बना दिया और शिखर धवन ने, तो जो फॉर्म उनके पास उस फॉर्म को बरकरार रखा है, और बाकी काम कर दिया, 31 का योगदान डाल दिया, वो शगुन डाल दिया अंबती रायडू और दिनेश कार्तिक ने, कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर इंडिया, नॉट टू मेनी प्रॉब्लम्स एनी मोर, अब तो थोड़ा सा विश्राम भी करेंगे, अगले मैच की तैयारी भी करेंगे, एंड सेकेंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड ODI रैंकिंग्स में ICC की, हैज प्लेड द वे दे आर सपोज टू प्ले, क्योंकि अगर विश्व जीतना है ना तो पहले एशिया पे कब्जा करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट लीग गेम, अफगानिस्तान इज अप अगेंस्ट बांग्लादेश, हु इज सपोज टू डू वॉट, अफगानिस्तान भैया 250 बना दो, आप बांग्लादेश को भी हरा दोगे, ये आपकी काबिलियत है, क्योंकि अगर बल्लेबाजी चल पड़ी तो फिर समझ लीजिए इनकी निकल पड़ी, और बांग्लादेश वेल दे मिसिंग तमीम इकबाल, और बिकॉज ही इज़ बिन रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो अब मुशफिकुर के ऊपर और थोड़ा सा दबाव रहेगा, महमदुल्ला यू नीड टू फायर, शाकिबुल हसन यू नीड टू स्कोर रन, बोलिंग इज ऑल राइट, दे डोंट हैव टू मेनी इशूज देयर, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा, डू वी हैव अ फेवरेट हियर, सी बांग्लादेश ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली विल स्टार्ट एज फेवरेट्स, लेकिन अगर 250 बना दिए बोर्ड पे, लगा दिए बोर्ड पे, देन यू रूल आउट अफगानिस्तान एट योर ओन पेरिल। नाउ डू मी अ फेवर, चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वैसे बर्थडे प्रेजेंट बड़ा अच्छा था, और एक और बड़ी चीज़ अच्छी हुई थी, क्या हुई थी, 24 घंटे में 2 एक दिवसीय मुकाबले जीत गया भारत, 2 24 घंटे में, ऐसा भी होता है क्या, मे बी इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हु नोज़।